Who discovers she's part mermaid? Oh, beautiful, you can breathe underwater. A fashionable undersea woman. Check this out. Arms that would make your greatest strength. Marleya, you did it! हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन ए टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए टेल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी परसेंट भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैम्पियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपनों माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मैरमेड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नज़र आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मर्मी टैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री मेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एमर्मेटल मरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूम के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री मेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विथ द रीमेकड इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन ट्रेबीएस्ट एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री मेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी नौ मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और स्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी माँ को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकड इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेबी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस, क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मारमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्पीटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन ट्रेबीएस्ट एस्ट ग्रेमिनियन नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस, क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी नौ मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन ट्रेबीएस्ट एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फ़ैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार दस एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेबी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एक्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मारे टाइल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार दस एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन मरमी मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिना से उसकी मां को बचाने के के लिए फ़ैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार दस एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मर्मे टाइल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूम के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन एम मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मर्मी टैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मर्मी टैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूम के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री मेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री मेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मर्मी टैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री मेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मारमेड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री मेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मारमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन ट्रेबीएस्ट एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन ट्रेबीएस्ट एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस, क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एमर्मेटल एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फ़ैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकड इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और, और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा था गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिना से उसकी मां को बचाने के के लिए फ़ैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार दस एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बेट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और स्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फ़ैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकड इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार दस एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी नौ मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिना से उसकी मां को बचाने के के लिए फ़ैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार दस एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मर्मे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैम्पियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और स्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहां पर मरमिड अपने मां के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार दस एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनियन नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मर्मी टैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेबी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन एमर्मिटेल टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मर्मी टैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री मेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूम के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन ए आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और स्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूम के किशोर सरपिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमेड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी परसेंट भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मारमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन ट्रेबीएस्ट एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी परसेंट भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकड इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन ट्रेबीएस्ट एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से छः पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी परसेंट भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और स्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मारमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेबी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी नौ मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन ए आर मूवी को अगर आप इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टाइल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकड इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन ट्रेबीएस्ट एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट री इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आई पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फ़ैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार एंड द लेटर मेड ऑफ़ द टेलीविज़न प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेबी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी नौ मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज़ हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीबी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 पॉइंट टू की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम आर्मे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मैर्मिलिया पूरे एरिना से उसकी मां को बचाने के के लिए फ़ैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए इन द मार्मिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार दस एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनियन नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नज़र आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कंपनीज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बीनिया इन एम टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन ए मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी 10 में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मर्मे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिना से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 हज़ार एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बैट द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओबर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेक इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बर्बिनिया इन ए आर टेल मूवी को अगर आप भी इस मूवी के रिव्यू एंड फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा बर्बिनिया इन एम मरमिटैल जो कि 2010 में रिलीज हुई एक एनिमेटर फैमिली मूवी थी जिसका लेंथ था एक घंटा पंद्रह मिनट इस मूवी को आईएमटीवी पर रेटिंग मिली थी टेन में से 6.2 की और इस मूवी को गूगल यूजर को बयासी भी लाइक किए थे इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड और एस्क्वाड रखा गया था बर्बिनिया इन एम मरमे टायल टू पर इस मूवी के फ्यूचर सॉन्ग भी थी क्वीन ऑफ द वेब्स और इस मूवी को आर्टिस्ट डायरेक्ट किए थे प्लेम प्रोस्टार इस मूवी की बात की जाए तो बर्बिन कलकार मालूमा के किशोर सर्पिया चैंपियन मरिया जिससे चौंकाने वाला परिवार का रहस्य पता चलता है और वह एक रहस्यमय मत्स्य यात्री यह या पता चलने के मरमिलिया पूरे एरिला से उसकी मां को बचाने के के लिए फैसला करता है यानी कि मूवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है जहाँ पर मरमिड अपने माँ के बचाती है बर्बीनिया ए, इन द मरमिड जो कि 2010 में रिलीज़ हुई है कॉम्प्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किए थे एडम ली वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन किए थे मेटल इंटरटेनमेंट विद द रीमेकेट इंटरटेनमेंट इस मूवी को 2010 एंड द लेटर मेड ऑफ द टेलीविजन प्रीमियर किया गया था निकोला बेड द्वारा इस मूवी को बात की जाए तो स्टारिंग में कायल सैरडेंस्ट क्लैंड बैनिन त्रेवी एस्ट ग्रेमिनिया नजर आए थे निकोला ओवर इमोना प्रेनिस क्लेरा जैक्सन जैसे कई स्टार कास्ट हमें इस मूवी में नजर आए थे म्यूजिक दिए थे बी सी स्मिथ ने प्रोडक्शन कम्पेज किए थे मेटल इंटरटेनमेंट रीमेकट इंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूनिवर्सल स्टूडियो होम इंटरटेनमेंट ने और मूवी की रिलीजिंग डेट थी 9 मार्च 2010 रनिंग टाइम थी पचहत्तर मिनट्स और कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा और, और लैंग्वेज थी इंग्लिश मूवी को ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे पसंद किए थे अगर आप भी इस मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा